कमाल आर खान को दिखाना चाहूँगा और उनका रिव्यू लेना चाहूँगा, मुझे लगता है वो बहुत कमाल का रिव्यू देंगे। मैं मोदी जी को दिखाना चाहूंगा। सीधा छक्का अनुपमा चोपड़ा मैम को, मेरे को लगता है कि उनके सारे रिव्यूज एकदम बैंग ऑन होते हैं, शी इज नॉट बायस्ड एट ऑल, तो मैं तो अनुपमा चोपड़ा। ट्रेलर जो कहता है वही फिल्म भी कहती है, जो ट्रेलर है वो हिंदुत्व के सार की बात करता है, हिंदुत्व के उदय की बात करता है और राष्ट्रवाद की बात करता है, और हमारी फिल्म भी उसी की बात करती है। नहीं बिल्कुल, ट्रेलर तो कटा तो फिल्म से ही है, तो जो कुछ भी ट्रेलर में है वो सब कुछ फिल्म में है, और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि सबको पसंद आएगा। सरप्राइज नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा बिना सरप्राइज के? तो बुक का कवर देखा है, अभी बुक तो पढ़नी बाकी है, बिना सरप्राइज के तो बर्थडे पार्टी में मज़ा नहीं आता। देखिए इंटेंशनल अनइंटेंशनल कुछ नहीं था, हमारी भावनाएं जो हमने ओत प्रोत करके फिल्म के ट्रेलर में आप लोगों के सामने रख दी, दर्शकों के सामने रख दी है, वैसे ही फिल्म में हम सब की जो सच्ची भावना है राष्ट्र के प्रति हमने उसको अपनी आत्मा के साथ सभी के सामने रखा है। अब ये देश के ऊपर है, जनता के ऊपर है कि वो कैसे इस राष्ट्रवाद को समझते और कैसे इस राष्ट्रवाद को अपने जीवन में निहित करते हैं। क्या फीलिंग है, एक्साइटेड नर्वस आज जो फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए स्क्रीनिंग रखी गई है, देखने वाले हैं, क्या फीलिंग है आप लोगों की, आप टीवी से जाना चाहते हैं? बहुत ही एक्साइटेड हैं और नर्वस भी उतने ही, आई थिंक नर्वस थोड़े से ज़्यादा है। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, फोन पर बात कर रहे थे यार, बहुत नर्वसनेस हो रही है, पेट में बटरफ्लाइज हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एग्जाम, यू नो एग्जाम से पहले वो जो फीलिंग होती है बस वही है, मज़ा आ रहा है। अब बस वो पास हो जाए उस एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, तीनों की हालत एक जैसी ही है इस वक्त, और जैसी होती है रिलीज़ के पहले सभी कलाकारों की, मेकर्स की, वैसी ही है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे भारत की जनता इस हिंदुत्व को अपनाएगी, और जैसा हमने अभी तक रेस्पॉन्स देखा है तो उससे विश्वास थोड़ा ज़्यादा है और नर्वसनेस थोड़ी कम। थैंक यू सो मच।